दोस्तों अभी जो आपके सामने स्टार्टर दिख रहा है, सीमेंस कंपनी का डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, मतलब ड्यूल स्टार्टर है, 3DW42 इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो इस स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, देखिए एक कॉन्टेक्टर है, इस स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है, देखिए ये ओवरलोड रिले है और एक कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्टर में ये कॉन्टेक्ट जो आपको दिख रहा है ये पावर कॉन्टेक्ट है, ये वाला जो कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है ऑक्सिलरी एनो कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और इस ओवरलोड रिले में एक रेड वाला स्विच दिख रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है, इससे हमारा स्टार्टर ऑफ होगा, ठीक है। ये देखिए इससे हमारा स्टार्टर ऑफ होगा और ये वाला जो स्विच दिख रहा है इससे स्टार्टर हमारा ऑन होगा। और इस ओवरलोड रिले में एक सेटिंग पॉइंट दिख रहा है, देखिए ये देखिए 6.3 से 10 एम्पियर तक इसमें सेटिंग पॉइंट दिया हुआ है, अपना एम्पियर सेटिंग कर सकते हैं। ये इसमें एक रीसेट बटन दिया हुआ है, इससे हमारा स्टार्टर ऑफ होगा और इससे हमारा स्टार्टर ऑन होगा, ठीक है। इस स्टार्टर में जो ओवरलोड रिले लगा हुआ है ये किस तरीके से काम करेगा वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे स्टार्टर को ऑपरेट कराने के लिए दो फेज की जरूरत होगी, मतलब 415 वोल्टेज की जरूरत होगी। इन दो वायरों में 415 वोल्टेज देंगे, मतलब डबल फेज देंगे तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों वायरों में से किसी भी एक वायरों को डायरेक्ट ये L1 में लगा दूंगा, देखिए L1 है उसमें लगा दूंगा इस तरीके से, देखिए। दोस्तों ये दो वायर आए हैं कॉन्टेक्टर की कोइल है, ठीक है, इसमें 415 वोल्टेज जाएगा तो हमारा कोइल ऑपरेट हो जाएगा। तो एक फेज चले गए L1 से, एक फेज चले जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब हमारी कोइल में दूसरा फेज कंट्रोलिंग से होते हुए जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। एक वायर लूंगा उसको मैं L3 में कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, देखिए। दोस्तों हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए दो फेस लूंगा, L1 और L3 लूंगा, ठीक है। तो L1 तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया इस तरीके से, देखिए ये L1 को डायरेक्ट लगा दिया। अब L3 में मैंने एक वायर को लगाया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस वायर को मैं दोस्तों अब इस वायर को मैं ऑलरोड रिले के 96 नंबर, NC के 96 नंबर में कनेक्ट कर दूंगा, देखिए ये NC का 96 नंबर है, ठीक है, इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों हमारा जो L3 सप्लाई है इस वायर के थ्रू ऑलरोड रिले के 96 नंबर में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों अब एक वायर लूंगा उसको ऑलरोड रिले के 95 नंबर, देखिए NC के 95 नंबर में इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, देखिए ये NC का 95 नंबर है, ठीक है, उसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने ऑलरोड रिले के NC के 95 नंबर में इस वायर को कनेक्ट किया, उसको मैं इस कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ऑक्सिलरी एनो कॉन्टेक्ट में इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, देखिए। दोस्तों हमारा जो कोइल का दूसरा वाला वायर है, देखिए ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, ठीक है। अब ये दूसरा वाला वायर है उसको मैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनो के 13 नंबर में कनेक्ट कर दूंगा, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनो का 13 नंबर है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, देखिए, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करना है, अब ये किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो ये कोइल है इसको ऑपरेट कराने के लिए दो फेज की जरूरत होगी, L1 हमने डायरेक्ट फेज दे दिया, ठीक है, हमको जरूरत है अब L3 की, मतलब दूसरे फेज की जरूरत है। तो मैंने L3 में एक वायर को कनेक्ट किया तो L3 हमारा सप्लाई ये वायर के थ्रू हमारा ओवरलोड रिले के 96 नंबर में आ गया, देखिए। दोस्तों ये ओवरलोड रिले का 95 नंबर और 96 नंबर NC कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से होते हुए NO कॉन्टेक्ट में गया, ठीक है, मतलब हम ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और हमारा जो NO कॉन्टेक्ट है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ड्यूल स्टार्टर काम करेगा। ओवरलोड रिले किस तरीके से काम करेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने मोटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, ये मोटर के 3 वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गए RYB, ठीक है, और मोटर हमारा 6 एम्पियर ले रहा है, तो हम इसको, ठीक है, 7.5 पे इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। और जैसे हमारा मोटर 7.5 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लेगा तो कुछ सेकंड में ही मोटर को ट्रिप कर देगा, मतलब हमारे स्टार्टर को ऑफ कर देगा।